अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक होंगे, मजे में अल्लाह ताला के जमान में होंगे। तो रेशम आ जाओ प्लीज, व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम। और आज हम लोग जा रहे हैं एक बहुत ग्रैंड लॉन्च इवेंट पे मामा लव के। वहाँ ना एक बहुत ही जबरदस्त सेलिब्रिटी आ रहे हैं, सेलिब्रिटी है भाई, और वो हमारे बड़ों के अलावा बच्चों के लिए बहुत फेवरेट है। मोहम्मद को इसलिए साथ लेके जाना है क्योंकि हमें इन्विटेशन में मोहम्मद वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। पूरा व्लॉग दिखाऊंगी कहाँ जा रहे हो, क्या क्या होगा, सो लेट्स गो। हम कहाँ जा रहे हैं मामा ला? मुझे टॉय शॉप, मुझे पीजे मासेस। ओके, हमें पीजे मासेस टॉयज लेने हैं। और वहाँ एक बात तो है कि वहाँ जाकर वापस मोहम्मद के साथ, इसलिए हम जा रहे हैं तैमूर के साथ। वहाँ और बहुत सारी ब्लॉगर्स आ रही हैं लाहौर से और गुजरात वगैरह से, लेकिन लाहौर के तो काफ़ी फेमस ब्लॉगर्स भी आ रही हैं, तो एक ब्लॉगर्स का मीटअप टाइप भी हो जाएगा और हम लोग सबसे मिल भी लेंगे। और ऑब्वियसली जिस काम के लिए जा रही है, जिस काम के लिए हमें बुलाया हुआ है, तो वो भी काम लाजमी है। इस मॉल में है, मॉल ऑफ सियालकोट में, रश तो बहुत है, वो देखें भाई, वाह जी वाह। संडे है ना, मोहम्मद लुक एट दैट। फाइनली यहाँ पार्किंग मिली है, काफ़ी दूर है, चल के जाना पड़ेगा। मॉल ऑफ सियालकोट, सियालकोट कैंट में भी आपके बेपनाह एतमाद से तरक्की। ये नीचे बेसमेंट में इवेंट था और अब हम नीचे जाते हैं और देखते हैं इवेंट को। ये एंट्रेंस थी। यहाँ हम मोहम्मद का पीजे मासेस ढूंढ रहे हैं क्योंकि उसने बस वो रो रहा है कि उसको पीजे मासेस चाहिए। कोई पता नहीं कौन सा कार्टून है, हमें खुद नहीं पता, सो लेट्स सी, शायद हमें मिल ही जाए। आई होप मिल जाए, क्योंकि वरना तो मोहम्मद को हमें यहाँ से किसी और टॉय शॉप भेजना पड़ेगा और सियालकोट में बहुत मुश्किल है। यहाँ इतना ज़्यादा रश हो गया था क्योंकि अहमद शाह आ गया था और इतनी सिक्योरिटी टाइट थी, लेकिन फिर भी रश इतना था और लोग इतना ज़्यादा ऊपर उसके आ रहे थे कि यहाँ फिर उनको सिक्योरिटी गार्ड्स को उसको गोद में उठाकर लेकर जाना पड़ा। मोहम्मद को हमने तैमूर भाई के साथ भेज दिया है क्योंकि कुछ फॉलोअर्स मिल गए थे, तो हमने कहा पहले उसको भेज कर फिर बाकी काम करते हैं। मॉल में इतना रश था कि हम लोग को यहाँ एक शू शॉप थी, हम वहाँ बैठ गए वेट करते थे मूर के आने का। तब तक मैंने सोचा था मूर के लिए भी कुछ ले लेती हूँ, कोई सरप्राइज ही हो जाएगा। मॉल से निकले हैं तो बारिश शुरू हो गई है, बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड किस्म की और इतनी तेज बारिश है। हमारे जो कुक हैं अभी भाई, वो भी बाहर निकले हुए थे किसी काम को लेकर, तो उनको फिर चढ़ने लगे। आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए आजे भाई, अगर हम आपको फोन ना करते। मोहम्मद जी लेकर आया था कोई क्रैकर्स बजाने वाले और उसके बाद इसने पूरे कमरे में गंद मचा दिया। नाउ आई एम सेइंग इसको अब आप खुद साफ करेंगे, तो ये भी सफाई होने लगी। हो गया मोहम्मद साहब? लाउंज से, टीवी लाउंज से भी, ये देखो अपने मैट बिछाए हुए इसके ऊपर से भी।
Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing well. So welcome to another day. आज का vlog करते हैं यहाँ से start. आज मेरा दोपहर को मैंने 2 बजे जाना था एक clinic. वहाँ मेरा एक video shoot करनी थी. वो clinic में थोड़ा सा काम आ गया और वो plan cancel हो गया. मेरे 2 shoots थे. एक shoot तो cancel हो गया. दूसरा 4:30 बजे था और वो location वगैरह हर चीज़ finalized थी. लेकिन वो भी कैंसिल करना पड़ा. फोटोग्राफर को जाना था कहीं और भी शूट करने और हमारे टाइमिंग्स का इशू आ रहा था कि जिस लोकेशन पे मैंने शूट करवाना था वहाँ हम 4:30 जा सकते थे और फोटोग्राफर जो थे वो कह रहे थे 4:00 कर लें. लेकिन फिर वो भी कैंसिल करना पड़ा. तो मतलब मेरा इतने प्लान कैंसिल करके अब मैं अभी जी मेकअप मैंने कर लिया है. बाल मैंने घर जाके स्ट्रेट करने हैं. जब हमने मेकअप पूरा कर लिया तो हमें याद आया कि हमारे पास तो लैश ग्लू ही नहीं है. हम तो लैश ग्लू लेना ही भूल गए थे. ख़त्म हो गई थी और अब मैं जा रही हूँ लैश ग्लू. आयशा ने मुझे कहा ऋषभ तुम्हारा मेकअप हो गया तुम जाकर लैश ग्लू ले आओ. जी मैं हो गई हूँ तैयार. मैं पहले आप लोगों को अपनी फुल लुक दिखा देती हूँ. ये है मेरी फुल लुक. हाँ जी मुझे शूट तो करना था तो मैंने एक और फोटोग्राफर के साथ हमारी कोलैबोरेशन पेंडिंग थी मैंने उनको कॉल कर दी तो वो आ गए थे और हमारा शूट स्टार्ट हो गया था. क्योंकि एग्जैक्ट डेट पर देना होता है तो आप लेट नहीं कर सकते. ये वीडियोस उन लोगों के लिए हैं जिनको लगता है कि ब्लॉगर्स होना कितना आसान काम है. इनकी मौजें होती हैं इनको पीआर्स आते हैं. लेकिन ब्लॉगर होना बहुत मुश्किल काम है. हम लोगों को टाइमिंग्स का ध्यान रखना पड़ता है. अपने इवेंट्स को मैनेज करना पड़ता है. अपनी सोशल लाइफ को मैनेज करना पड़ता है. ये जी अब हम ऊपर जा रहे हैं क्योंकि हमें फ़ोटोग्राफर ने बोला है फायज़ा ये प्लीज़ पकड़ना कि आप अपना लोकेशन ऊपर जाएँ और वहाँ करते हैं. तो अभी हम ऊपर जा रहे हैं मैं और फायज़ा. बड़ी मेहनत है भाई. मैं आ गई हूँ छत पर और अब हम जा रहे हैं उस साइड पर क्योंकि फोटोग्राफर ने कहा है कि यहाँ अच्छी रील्स बनेंगी. सो आई होप कि मैं जा सकूँ. ये टेरेस फ्रंट पे देखो आप. बेशक बैग को किधर रखूँ पता चले इधर से बैग नीचे गिरा. रेशम हेयर फ्रॉम अर्बन सिस्टर्स. सो आज मेरा शूट था ब्रांड का शूट था हमारा और मैंने आज ऑप्शन लिया रजा शूट्स के साथ शूट करवाने का. आवाज़ वगैरह ठीक था या कुछ रीटेक तो नहीं करना. यहाँ जी मेरा शूट कंप्लीट हो गया था. फाइनली आई एम डन. आपको रील देखनी होगी तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें अर्बन सिस्टर्स पे. बाकी व्लॉग की एंडिंग तो आयशा ही करेगी. सो दिस वॉज द व्लॉग और बहुत मज़ा आया इवेंट का. बहुत बहुत अच्छा रहा. एंड पे तो बारिश ने कमाल ही कर दिया कि मौसम की वजह से तो बस. एंड भी बहुत अच्छा रहा. इतना क्राउडेड था कि पता नहीं मैंने कितनी मुश्किल से क्लिप्स वगैरह बनाकर इसको वाइंड अप करने की कोशिश की. और क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे इतने एक्सपेक्ट नहीं किए थे जितने सियालकोट के लोग वहाँ पहुँच के हुए थे. लेकिन ये व्लॉग बहुत ही मज़े का रहा हमारे लिए. हमने बहुत इन्जॉय किया. आप लोगों ने हम लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो ज़रूर करना है. वहाँ का कॉन्टेंट ज़रूर देखिएगा कि हमारा हम लोगों ने कैसे सारा इवेंट किया क्या क्या कुछ रहा. टिकटॉक पे भी हमें फॉलो करेगा और यूट्यूब पे हम लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर ले. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर व्लॉग्स का फायदा तो नहीं होता. तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करें चैनल को. लाइक करेगा कमेंट करेगा शेयर करेगा और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं. अब तो मैंने बैक टू बैक व्लॉग्स लगा रही हूँ. तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए.